हेलो गाइज, माय नेम सलमान खान एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान एंड यू आर वाचिंग माय और यूट्यूब चैनल टेक्निकल तड़का। सो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस के लिए या फिर अपने टिकटॉक वीडियोस के लिए किस तरह से फुल एचडी में स्टेटस वीडियो या फिर कोई भी शानदार सा वीडियो आप एडिट कर सकते हैं, किस तरह से उसकी मेकिंग कर सकते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सारा ट्यूटोरियल बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। इसके लिए आपको जरूरत किस चीज़ की होगी गाइज, आपको सबसे पहले काइनवास्ट एप्लीकेशन की जरूरत होगी, आपके कुछ फोटोज़ जो आपके मतलब आप किसी के लिए जिसके लिए बना रहे हो उसके फोटोज या आपके लिए बना रहे हो तो आपके फोटोज़। सो गाइज आप चलते हैं बल्कि स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो की शुरुआत एक धमाकेदार इंट्रो के साथ। तो देखिए हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अब यहाँ से आपको क्या करना है, काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है एंड काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ से प्लस वाले साइड आइकन पे करना है क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद 9:16 का ये रेशियो है, इसको सेलेक्ट कर लेना है बीच वाला, जो कि आपके स्टेटस और टिकटॉक वीडियो के लिए यही होता है। आपको क्या करना है, मीडिया में जाना है सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मीडिया में क्लिक करके आपको अपने फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। तो देखिए मैं आप कुछ फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे कि ये, फिर ये, फिर ये, इसके बाद फिर ये कर लेता हूँ, फिर देखिए अब मैं 1, 2, 3, 4, 5 फ़ोटो सेलेक्ट कर चुका हूँ। सिंपली यहाँ से इस फ़ोटो को डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए अब मैं इन फ़ोटो को सिलेक्ट कर चुका हूँ। तो अब मुझे क्या करना है कि इन फ़ोटो को सबसे पहले एडजस्ट करना है, तो मैं इनको एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ से जूम करके। देखिए सो अब यहाँ पे करना है ये दोनों बराबर करके इसको एंड पोजीशन पे ले जाना है, ठीक है। अब इस तरह सभी को करना है, मैं ऐसे कर लेता हूँ सभी को। देखिए इस फ़ोटो पे क्लिक किया, अब इस फ़ोटो को मैं जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए इतना कर लिया, मैं यहाँ से नीचे ले जाता हूँ थोड़ा। देखिए अब वापस यहाँ से इसको बराबर कर दें। देखिए यहाँ पे एंड पोजीशन एंड स्टार्ट पोजीशन इसको इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद वापस से दूसरे फोटो सेलेक्ट करना है यहाँ से राइट। इस तरह से आप सब कर लीजिए, ठीक है गाइस, मैं कर लेता हूँ। सो देखिए मैंने सबको कर लिया इस तरह। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो इफेक्ट वाला बीच में ऑप्शन है इफेक्ट, देखिए यहाँ पर जो एक माइनस का ऐसा कुछ साइन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ये इफेक्ट डाउन करना है, एसेलरेशन। अब यहाँ आपको कहाँ मिलेगा, आपको सबसे नीचे जाना है। अब यहाँ पे आपको होगा नहीं, तो यहाँ पे गेट मोर का ऑप्शन है सबसे नीचे, इसे यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे एसेलरेशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सो अभी मेरा नेट स्लो है इसलिए नहीं हो रहा है, तो आपका वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डाउनलोड कर लें थोड़ा देर, अगर आपके इस तरह शो हो रहा है तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, जैसे कि 30 सेकंड ऐसा कुछ वेट करना है आपको, एक मिनट तक वेट कर लीजिए। यहाँ पर आपके सब ओपन हो जाएंगे, क्या बहुत सारे होते हैं तो वहाँ पर आपको लोडिंग होने में टाइम लगता है। सो अब आप बात करते हैं एसेलरेशन को, आपको डाउनलोड करना है, फिर यहाँ पे आपका ये शो हो जाएगा। यहाँ पे एसेलरेशन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे सब यहाँ पे दे दीजिए। देखिए ये हो गया, इसके बाद मैं दूसरा एसेलरेशन वापस से यहाँ पे जाता हूँ। देखिए ये हो गया, अब यहाँ पे तीसरा एसेलरेशन, अब ये देखिए यहाँ पे मैं मुझे ये अच्छा लग रहा है। सो देखिए यहाँ पे भी मैंने दे दिया इसको, अब यहाँ से इसको ये दे देता हूँ, ठीक है ना। सो देखिए अब मैं इसको राइट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैंने सब में इफेक्ट दे दिया। अब आपको क्या करना है कि सिंपली इस वीडियो को आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट कैसे करना है कि यहाँ से शेयर वाले बटन पर करना है क्लिक, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो देखिए मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, देखिए फास्ट हो रहा है वैसे। तो देखिए अभी एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो अभी ये हो गया एक्सपोर्ट। देखिए एक्सपोर्ट करने के बाद आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद वापस इसको पूरा प्रोजेक्ट बैक करना है। इसको बैक करने के बाद आपको वापस से प्लस वाले साइकन पर क्लिक करना है, फिर 9:16 का रेशियो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद वापस से मीडियम जाना है और उस एक्सपोर्ट किए हुए उस वीडियो को वापस से आपको सेलेक्ट करना है। देखिए यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसको, सेलेक्ट कर चुका हूँ। देखिए अब आपको वापस स्टार्ट पोजिशन में आना है आपको। फिर यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आना लेयर वाले ऑप्शन में। लेयर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से इफेक्ट में आने के बाद बेसिक इफेक्ट, यहाँ से ये जो फर्स्ट वाला ब्लर है इसको सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट वाला आइकन पे क्लिक कीजिए, इसको ब्लर रखो, पूरा कर लीजिए। यहाँ से इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ पूरा, देखिए यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, ब्लर आइकन पे करना है क्लिक, इसको पूरा बड़ा यहाँ से खींच लेना है। देखिए ये हो गया पूरा ब्लर कर दिया इस वीडियो को। फिर यहाँ से राइट वाला आइकन पर क्लिक, राइट वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर लेफ्ट में 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ से डुप्लीकेट अस्ट लेयर पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ से कर लिया क्लिक, अब ये हो गया डुप्लीकेट लेयर इसकी। अब आपको क्या करना है, आपको
कि वापस से आपके आना, यहाँ पे आना है आपको लेयर में। लेयर में आने के बाद आपको सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन है कि हैंड राइटिंग का, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद देखिए अब आपको यहाँ पे एक यहाँ से जो कलर सेलेक्ट करना है तो यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट कर लीजिए। वाइट कलर सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैं यहाँ से इसको एक ड्रॉ लाइन कर देता हूँ। सो देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर चुका हूँ, अब मैं इसको इसके ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो देखिए अब मैं इस लाइन को उसके ऊपर एडजस्ट कर लेता हूँ। सो देखिए मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ से यहाँ पर क्या करना है, इसको इसको पूरा एंड तक ले जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वापस से इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगता है ये, तो ये आपको ऐसे करना है थोड़ा सा, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। फिर वापस से इसको भी ऐसे करना है। देखिए मैं इसको ऐसे कर चुका हूँ, तो अब देखिए आपका कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा, देख सकते हैं आप। देखिए कितना शानदार लग रहा है आपको, देखिएगा आप खुद मेकिंग कर सकते हैं इसके, देखिए कितना अच्छा लग रहा है आपको देखने में। सो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ से एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग की, या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप यूट्यूब से आपका आपका जो फेवरेट सॉन्ग है उसको आप ले सकते हैं। तो आपको यूट्यूब पे लिखना है जो भी आपका सॉन्ग है, वहाँ पे उस सॉन्ग का नाम लिख के आपको लिखना है ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग, ठीक है ना। जैसे कि अभी आप कोई भी है, आप जैसे कि तेरे नाम वगैरह, जैसे कि तेरे नाम ग्रीन स्क्रीन सॉन्ग, इस तरह आप लिखेंगे तो आपका हो जाएगा। फिर वापस आपको लेयर में आना है, लेयर में आने के बाद मीडिया में, मीडिया में आने के बाद जो आपने ग्रीन स्क्रीन वीडियो जो आपने डाउनलोड किया है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ओके वाला आइकन पे करता हूँ क्लिक, यहाँ से इसको करता हूँ बड़ा, यहाँ से आप एडजस्ट कर लीजिए आपका मतलब जो सॉन्ग है वह कहाँ पे आपका प्ले होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से मैं करता हूँ, फिर वहाँ से आना है यहाँ पे क्रोमा की, क्रोमा की मैंने कहा इसको इनेबल करना है। इनेबल करने के बाद यहाँ से इसको पूरा एडजस्ट कर लीजिए ताकि आपकी ग्रीन स्क्रीन गायब हो जाए, तब देख सकते हैं। सो देखिए इतना तक हो चुका है, तो मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ। देखिए सो देख सकते हैं आप, आपका स्टेटस यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको पूरा इस वीडियो के एंड में आपको अभी मैं इसको आपको प्ले करके बताने वाला हूँ पूरा मतलब सॉन्ग के साथ में। सो देखिए अब यहाँ पे हो गया इतना, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से ट्रिम वाले ऑप्शन पर आना है, ट्रिम टू राइट ऑफ लेड, यहाँ पे करना है क्लिक। अब देखिए आपका यहाँ पे पूरा हो चुका है ये। सो अब आपको क्या करना है, शेयर वाले आइकन पर करना है क्लिक, शेयर वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद इसको आपको करना है एक्सपोर्ट। सो देखिए अभी एक्सपोर्ट हो रहा है मेरा ये वीडियो। तो देखिए अब एक्सपोर्ट हो चुका है, अब मैं आपको गैलरी में ले जाकर दिखा देता हूँ। सिंपली यहाँ से आना है यहाँ पे गैलरी, देखिए यहाँ पे ये मेरा जो वीडियो है ये आ चुका है। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। दिल हथों बार हो गया, इश्क तेरा इश्क मैनू। सो देख सकते हैं आप ये पूरा स्टेटस मेकिंग हो गई है। सो गाइस वीडियो देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।